हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दो चैनल। जी हां दोस्तों, वोडाफोन के तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, तो इस अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। बस 1.5 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आइए वीडियो शुरू करने। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक गाइज हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाईफाई दोस्त को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दें और आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको बगल में दिख रहा होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वोडाफोन के 49 और 997 रुपये के प्रीपेड प्लान हुए बंद। जी हाँ गाइज, 49 रुपये और 997 रुपये वाले प्लान हो चुके हैं बंद। तो मैं आपको बताऊंगा कि नए प्लान कितने रुपए का है, क्या आपको इसे वोडाफोन का यूजर्स बनना चाहिए, आपको वोडाफोन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को आप बने रहे। वोडाफोन ने 997 रुपये और 49 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज पैक को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। इसमें से 997 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पैक केवल यूपी वेस्ट सर्कल में उपलब्ध था, जिसे अब वोडाफोन की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया। इसी प्रकार 49 रुपये के ऑलराउंडर पैक को केवल मुंबई सर्कल से हटाया गया है। बता दें कि 997 रुपये का प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा का बेनिफिट भी देता था। वहीं 49 रुपये का रिचार्ज पैक ऑलराउंडर प्लान का काम करता, जिसे असीमित कॉलिंग, मुफ्त डेटा और SMS समेत 38 रुपये का टॉक टाइम भी मिलता था। वोडाफोन 997 रुपये प्लान की बात करें तो यह प्लान केवल यूपी बेस्ट सर्कल पेश किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि कंपनी ने इस प्रीपेड रिचार्ज पैक को पिछले महीने पेश किया था और लॉन्च के लगभग 1 महीने के बाद ही इसे वेबसाइट से हटा दिया गया। इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉल और प्रतिदिन 100 मुफ्त SMS मिलते थे। इस प्लान की वैधता 180 दिनों यानी 6 महीने थी। प्लान के साथ यूजर्स को 499 रुपये का 1 साल का वोडाफोन प्लान सब्सक्रिप्शन और 999 रुपये का 1 साल का G5 सब्सक्रिप्शन भी मिलता था। और बात करें वहीं गाइस, तो वोडाफोन के 49 रुपये के ऑलराउंडर पैक की बात करें तो प्लान यूं तो आधिकारिक सर्कल में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी ने इसे मुंबई सर्कल से हटा दिया गया है। इस पैक में 38 रुपये का टॉक टाइम दिया जाता था, साथ ही किसी भी नेटवर्क पर असीमित कॉलिंग की सुविधा भी मिलती थी। इस प्लान की वैधता 28 दिन थी। यूजर्स इस प्लान में 100 MB डेटा भी मिलता था। इस प्लान के हटाए जाने के बाद फिलहाल वोडाफोन मुंबई के फेज पर केवल 39 रुपये और 79 रुपये के ऑलराउंडर प्रीपेड प्लान पैक उपलब्ध है। यानी गाइज, अब सिंपल सा बात मैं करूं तो 49 रुपये के प्लान को अब 79 रुपये कर दिया गया है, इसमें से क्रमशः 14 दिन और 28 दिन की वैधता मिलती है। इस कदम के बाद अब मुंबई सर्कल में वोडाफोन का न्यूनतम मासिक रिचार्ज पैक आपको 79 रुपये हो गया है। इस जानकारी को सबसे पहले ड्रीम TH ने रिपोर्ट किया था। हालांकि इस रिचार्ज पैक को अस्थायी रूप से बंद किया गया था, केवल वेबसाइट में हटाया गया। फिलहाल इसमें संबंधित किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो गाइज, इस वोडाफोन का बारे में कोई भी अपडेट आता तो मैं हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप इसके लिए हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।